ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के तत्वावधान में अभी आपको बटरफ्लाई तितली व्यायाम, माताजी आप अपने पैरों को जो मैंने बताया है कि घुटने को नीचे दबाना है, 5 बार 5 सेकंड गिनिएगा और फिर उसको छोड़ करके फिर दोबारा बटरफ्लाई करेंगे। सांस खूब भरिए, सांस खूब छोड़िए और घुटने को पूरा ऊपर नीचे करिए और ऊपर उठाइए घुटना को, खूब घुटना संचालन करिए। इसमें तितली जैसा करना पड़ेगा, जैसे तितली पंख फैलाती है बार बार, चंचलता के साथ, सुस्ती के साथ नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है तितली व्यायाम बटरफ्लाई एक्सरसाइज। अब इसमें करना क्या है कि दोनों घुटना को पकड़ के आपस में सटाएंगे ऊपर और फिर नीचे इसको दबाएंगे, जमीन में सटाइए, घुटना को पकड़िए दोनों हाथ से और घुटना को आपस में सटाइए और दोनों घुटना को एक साथ, बहुत सुंदर, शरीर सीधा रखिए और ये बहनों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। दोनों घुटना को आपस में सटाएंगे, फिर धीरे धीरे इसे आप देख सकते हैं कैसे इसमें सावधानी के साथ अभ्यास किया जा रहा है और नीचे जब दबाते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, इसमें आराम आराम से करते हैं और यदि आपका दोनों घुटना जमीन में टकराने लगे, सटने लगे तो आप इसे फिर छोड़ देंगे। ये बटरफ्लाई का अभ्यास बहुत ही शानदार है। अब इसी में करिए, दोनों पैरों को आगे की ओर कर लीजिए और क्रॉस करिए इसको, जैसे हम बैठ करके लेट करके मरकट आसन करते हैं, दोनों पैरों को खड़ा कर लीजिए घुटना को और बाएं दाएं घूम गिराइए इसको 5-5 बार, गिरा लीजिए बाएं दाएं 5 बार। अभी पहले में पहला स्टेप करेंगे, दोनों घुटना एक दूसरे पर सटा कर रखेंगे, हाँ पहला स्टेप हो रहा है ये बैठ करके एक तरह का मरकट आसन हो रहा है, यानी पहला स्टेप दोनों घुटना घुटने पर एड़ी एड़ी पर रखिए, एड़ी एड़ी पर बहन जी, हाँ, और गर्दन भी उल्टा, पैर यदि दाएं तरफ तो गर्दन बाई तरफ करना है, हाँ बहुत अच्छा अभ्यास करिए, 2-3 बार, 3-3 बार करिए घुटना घुटने पर, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर, बहुत अच्छा, हाँ 3-3 बार जब दोनों तरफ से हो जाए तो इसका दूसरा स्टेप करिए, पैरों को फैला दीजिए और पैरों को फैलाने के बाद इस अभ्यास को 3-3 बार करिए, हाँ सही, बहुत अच्छा, गर्दन भी उल्टा करो बाबू, 3-3 बार अभ्यास। ये घुटने से संबंधित अभ्यास हो रहे हैं और सैटिका, क्योंकि अभी सैटिका की बीमारी बहुत बढ़ रही है, पैर फैला करके देखिए बहन जी, बहनों को देखिए, हाँ दोनों पैर को फैलाइए और क्रॉस करिए 3-3 बार करिए, गर्दन भी उल्टा रखिएगा, छोटे छोटे अभ्यास आप सभी को आजीवन स्वस्थ रखने में अत्यंत ही सहायक हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करने के साथ साथ आप इसे जन जन तक ले जाने के इस अभियान को आप पूरा करेंगे, सहयोग करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।